नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। राहुल गांधी अमेरिका में जाकर भारत के पत्रकारों की मुसीबत कर पड़े हैं। कम से कम मेरी भी मुसीबत हो रही है। राहुल गांधी एक कोई भी बात वहां कह देते हैं, बड़े आराम से कह देते हैं, सहज भाव से कह देते हैं, और यहां पर भारतीय जनता पार्टी के साहेब की टीम जुट जाती है उनके ऊपर। अच्छा, साहेब की टीम जुटे तो मैं समझ में आता है, भाई साहेब हैं, उन्हें मंत्रियों को अपनी भक्ति दिखानी है, नेताओं को भक्ति दिखानी है। रविशंकर प्रसाद जी को साहेब ने लात मार के मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया, तब भी रविशंकर प्रसाद जी साहेब की चाकरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए। जाने क्या क्या अर्थव्यवस्था और जाने किन किन पे बड़ा लंबा लंबा व्याख्यान करते रहते हैं। लेकिन ये भी ठीक है, अगर देखिए मंत्री करें, बीजेपी के नेता करें, समझ में आता है। तो हम जैसे पत्रकार जो हैं मॉनिटरिंग करना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है किस मंत्री ने क्या कहा, राहुल गांधी ने क्या कहा, राहुल गांधी की बात पर मंत्री ने क्या कहा। लेकिन साहब एक और वर्ग ऐसा है जिस पर निगाह रखनी पड़ती है, देखना पड़ता है वो वर्ग खुश है या दुखी है। वो वर्ग है गोदी मीडिया का। राहुल गांधी वहाँ कुछ कहते हैं और उसकी तारीफ विदेश में हो जाए तो अपने सुधीर चौधरी जी को पेट खराब हो जाता है, अंजना ओम कश्यप जी का मुंह तर जाता है, और रूप का लियाकत जी तो बिल्कुल उफ उफ करने लगती हैं। तो ये एक जो गोदी मीडिया वाला ये जो भक्तियों की टीम तैयार हो गई है, इस पर भी निगाह रखनी पड़ती है। अब राहुल गांधी ने विदेश में जाके कह दिया कि भारत में मुसलमानों पे, ईसाइयों पे, सिखों पे वो सहज महसूस नहीं करते, वो परेशान में उनको परेशान किया जाता है। अब साहब बीजेपी के नेताओं के अलावा ये गोदी मीडिया के ये भक्तगण है, ये भारत में का अपमान हो गया विदेश में। इनसे कई बार पूछा कि अपने माननीय परम आदरणीय देवताओं के देवता, मैं नहीं कह रहा, जेपी नड्डा ने कहा कि देवताओं के नेवता हमारे प्रधानमंत्री जी कह के आए थे जब प्रधानमंत्री बने थे कि 2014 से पहले तो लोग भारत में पैदा होने पे शर्म महसूस करते थे। अपनी कंगना रॉस जैसी एक्ट्रेस जिनको कोई पूछता नहीं था, उन्हें यह पता चलता है, उनका ज्ञान ऐसा है कि वो कहती हैं कि 2014 के बाद भारत आज़ाद हुआ। तो मैं तो बड़ा परेशान हूँ। इस बीच में आज एक पत्रकार मित्र का फ़ोन आया, बोले देखो कितनी ख़राब बात है, ये गहलोत साहब हैं, इन्होंने बिजली मुफ्त कर दी तो अखबारों में फुल पेज का विज्ञापन छपवा दिया। कितनी ख़राब बात है, ये सर जनता का पैसा राजस्थान की सरकार इस तरह फूंक रही है, छत्तीसगढ़ का भी उन्होंने कहा। तो मुझे भी लगा कि साहब ये तो बड़ी ख़राब बात है, मतलब आज अगर आपने विज्ञापन दिया तो आपने लाखों, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया खर्च कर दिया आपने, ये तो बड़ी ख़राब बात है। फिर मुझे लगा मैं देखूं कि अपने साहब क्या करते हैं। अपने साहब ने तो कुछ ज़्यादा पैसा वैसा मीडिया पे खर्च नहीं किया होगा, ये मैं दावा कर सकता हूं, क्योंकि साहब तो कहते हैं कोई हमें अखबार वालों ने थोड़ी हमारा चेहरा चमकाया है, मैं तो जनता के दिल में राज करता हूं, जनता के दिल की बात करता हूं, इसलिए मैं चमकता हूं। तो आपने एक बात पर गौर किया होगा कि साहब और उनकी सरकार अगर कुछ भी करती है तो वो देश के हर प्रमुख अखबार में विज्ञापन के रूप में फ्रंट पेज पर बड़ा बड़ा देखने को मिल जाता है। मुझे याद आ गई ये बात। इतना ही नहीं, सरकार का 1 साल पूरा हो, 5 साल पूरे हो या फिर 9 साल, अखबारों के पूरे पन्ने पर आपको बड़े बड़े मोदी जी देखने को मिल जाएंगे। सरकार की कोई भी योजना हो वो अखबार के प्रचार के रूप में आपको पता चली जाएगी, भले उस योजना का लाभ एक भी व्यक्ति को ना मिला हो, लेकिन अखबारों में उसका विज्ञापन आपको काफ़ी बड़े बड़े अक्षरों में लिखा देखने को मिल जाएगा। और ये उस सरकार में हो रहा है जिस सरकार के मुखिया यानी हमारे प्रधानमंत्री, देवताओं के देवता प्रधानमंत्री जी जेपी नड्डा के शब्दों में मोदी जी अक्सर ये कहते हुए दिख जाते हैं कि विज्ञापनों पर पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, हम प्रचार प्रसार करके कि नहीं बल्कि अपने काम के दम पर लोगों के दिलों में जगह बनाते हैं। इतना ही नहीं, प्रचार में पैसे बर्बाद करने पर मोदी जी कई अन्य सरकारों पर हमला भी साधते रहते हैं। लेकिन क्या साहब ने कभी अपने गिरेवान में झांक कर देखा है? क्या कभी ये सोचा है मोदी जी ने कि उनकी सरकार और वो विज्ञापनों पर कितना खर्च कर रहे हैं? शायद वो खुद को नहीं दूसरों को देखते रहते हैं। खैर कोई नहीं, कोई बताए ना बताए 4PM का काम है आपको सच बताना। तो आज हम आपको बताते हैं कि विकास के दम पर लोगों के दिलों में जगह बनाने वाली मोदी जी और उनकी सरकार जो विज्ञापनों का सहारा नहीं लेती है, मेरी बात को ध्यान करिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि हम विज्ञापनों का सहारा नहीं लेती हैं,
उसने विज्ञापनों पर कितने रुपए खर्च किए हैं मैं बताऊंगा। थोड़ा मेरा अनुरोध आपसे ये है कि जो कमज़ोर दिल के लोग हों वो इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि जब मैं ये फिगर बताऊंगा तो आपके पसीने आ सकते हैं। और मैं उन भक्तों से भी कहूंगा कि थोड़ा सा इस समय आज दिमाग के ताले खोलें। मैं आंकड़ा बताने जा रहा हूँ कि मीडिया पे केवल और केवल अखबारों पे मैं सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, रूप का लियाकत, देवगन, चोपड़ा, खोपड़ा, इन सबके टीवी चैनलों की बात नहीं कर रहा, मैं केवल आपको अखबारों की बात बता रहा हूँ। तो मैं बता रहा हूँ कि आंकड़ों के मुताबिक मोदी सरकार ने 2014 से लेकर 1 फरवरी 23 तक मीडिया में विज्ञापन पर करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपया खर्च किया है। अरबों रुपया, आप जानते हैं एक अरब में कितने करोड़ होते हैं? जानते हैं ना, यकीन नहीं हो रहा, बताता हूँ आपको। सही सुना आपने, करोड़ों नहीं अरबों। और इससे भी चौंकाने वाली बात यह है जो मैं बता रहा हूँ कि ये जो अरबों के आंकड़े हैं ये सिर्फ प्रिंट मीडिया पर खर्च किए गए हैं विज्ञापनों के। यानी दिन रात साहब की जय जयकार करने वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे। ये आंकड़े सिर्फ प्रिंट मीडिया के हैं। इन ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 2014 से लेकर 2023 तक पिछले 8 सालों में मोदी सरकार ने कुल 23 अरब, सांस रुक जाएगी आपकी, 23,03,44,40,961, फिर पढ़ रहा हूँ संख्या, 23,03,44,40,961 रुपया सिर्फ प्रिंट मीडिया को दिए गए विज्ञापनों पर खर्च किए हैं। चौंके नहीं, सही सुना, लाख या करोड़ नहीं बल्कि 23 अरब से भी ज़्यादा रुपया सरकार द्वारा अखबार के विज्ञापनों पर खर्च किया गया। यहाँ ये फिर याद दिला दूँ, ये आंकड़े सिर्फ अखबार वालों के हैं। अगर प्रतिदिन के हिसाब से देखें तो जनता के, मेरे और आपके, रिक्शा चलाने वाले के, आप कहेंगे रिक्शा चलाने वाला टैक्स नहीं देता, इस गलत फहमी में भी मत रहिए, रिक्शा चलाने वाला जो टूथपेस्ट खरीदता है, जो तेल खरीदता है, जो आटा खरीदता है, वो GST का टैक्स तो दे ही देता है। तो अगर इस हिसाब से देखें तो जनता के टैक्स का लगभग 71 लाख रुपया, 1 करोड़ से थोड़ा सा कम, 71 लाख रुपया रोज सिर्फ अखबार के विज्ञापनों पर खर्च हो रहा है। ये वो रुपया है जो हमारे और आपकी कमाई में से दिए गए टैक्स से जा रहा है। यानी हमारे पैसे से साहब और उनकी सरकार अपना प्रचार कर रही है। और फिर मोदी जी कहते हैं कि विकास कार्यों के लिए विज्ञापनों पर पैसा बर्बाद क्यों करना। अरबों रुपया अखबार वालों को, अरबों रुपया उस देश में अखबार वालों को, जिस देश की 80 करोड़ की जनता 2 वक्त के खाने का इंतजाम नहीं कर पाती, 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जाता है, वो देश में अरबों रुपया अखबार के विज्ञापनों पर साहब खर्च करते हैं। मोदी जी की हिपोक्रेसी का एक उदाहरण मैं आप लोगों को दे दूं। यह बात 2022 की है। पीएम मोदी ने दिल्ली के कालकाजी गोविंदपुर इलाके में झुग्गी झोपड़ी में रहने के लिए पुनर्वास के लिए 3024 EWS आवासों का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए विज्ञापन और प्रचार को लेकर कहा था कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के विकास के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापनों का कोई सहारा नहीं लिया। हमारी सरकार लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने में यकीन रखती है भाई और बहनों, चेहरा चमकाने में। वाह मोदी जी वाह, कैसे कर लेते हैं आप। ये जो अभी 23 अरब से अधिक का आंकड़ा मैंने बताया है, यह आपने अपना चेहरा चमकाने के लिए खर्च किया है। अगर आप काम करने या विकास करने में विश्वास रखते तो यह रकम इतनी बड़ी नहीं होती। वैसे प्रधानमंत्री जी अक्सर ऐसी बड़ी बड़ी आदर्शवादी बातें करते रहते हैं। अभी 1 महीना पहले ही मोदी जी ने एक बार फिर कुछ ऐसी ही आदर्शवादी बातें विज्ञापन और प्रचार को लेकर कही थी। इसी साल अप्रैल में दिल्ली के विज्ञान भवन में IAS अधिकारियों को सम्मानित करते हुए मोदी जी ने कहा था कि जो राजनीतिक दल सत्ता में आया है, क्या वो करदाताओं के पैसे का इस्तेमाल अपने दल के प्रचार प्रसार के लिए कर रहा है या देश के हित के लिए कर रहा है, उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, ये आप लोगों को देखना ही होगा। वाह मोदी जी वाह, बड़ी बड़ी बातें करना तो कोई आपसे सीखे।
अभी जो आंकड़े हम सब ने देखे, उनके देखने के बाद तो ये लगता है कि आप खुद यानी केंद्र की आपकी सरकार और आपके राज्यों की सरकारें भी आपकी इस सलाह पर अमल नहीं कर रही हैं। यानी कि जो आप खुद नहीं कर पा रहे हैं उसको लेकर आप बाकियों को ज्ञान दे रहे हैं, तो कभी दूसरी सरकारों पर निशाना साध रहे हैं। वाकई मोदी जी, मैं तो आपके लिए बस कहते कहता हूँ कि आपसे ज़्यादा बढ़िया नाटक कोई कर नहीं सकता। कोई कितना भी नाटक करे लेकिन आपके जितना कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन फिर मुझे ये भी याद आ जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है। कैसे ये राशि अपने आप में इतनी बड़ी हो गई, इसके आगे कुछ और बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन आपको बता दूं कि इन 9 सालों में हुए विज्ञापन के खर्च की 50% से ज़्यादा राशि यानी लगभग 16,71,12,11,741 रुपये सिर्फ करीब, सुन रहे हैं आप, 16 अरब रुपया सिर्फ 30 मीडिया संस्थानों को मिला है। 16 अरब रुपया केवल 30 अखबारों को मिला है। शेष राशि में दूसरे अखबार शामिल हैं। इन 9 सालों में अलग अलग साल में सरकारी विज्ञापन पाने वाले अखबारों की संख्या अलग अलग रही है। जैसे 2015 में यह संख्या 8,315 थी, तो वहीं 2022-23 में यह संख्या 3,123 हो गई है। यानी हमारे पालतू अखबार 3,123। अब अगर उन अखबारों पर नज़र रखें जिनको इतनी बड़ी रकम में विज्ञापन दिए गए हैं, तो जान पड़ता है कि 9 सालों में केंद्र सरकार से विज्ञापन प्राप्त करने वाले शीर्ष 20 मीडिया समूह में 8 अखबार अंग्रेजी के हैं, जबकि 12 हिंदी भाषी अखबार हैं। इनमें से कुछ ऐसे मीडिया समूह भी शामिल हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अखबार प्रकाशित करते हैं। इस दौरान जिस हिंदी अखबार को सबसे ज़्यादा विज्ञापन मिला है वो है दैनिक जागरण। मैंने ट्वीट किया, दैनिक जागरण के संपादक हैं उत्तर प्रदेश के एक बड़े नौकरशाह हैं, रहे हैं नौकरशाह, रिटायर हो गए, आजकल मुख्यमंत्री जी के करीबी हैं। उनकी पत्नी की सेवा भाव में दैनिक जागरण के संपादक की टिप्पणियां पढ़ी। दैनिक जागरण के संपादक का घटियापन देखना हो तो मैं जिन संपादक का नाम ले रहा हूँ, श्रीमान अनंत विजय के ट्वीट पढ़ लीजिए। मैंने लिखा है कि ये दैनिक जागरण के संपादक हैं, इनका मानसिक स्तर देखिए, इनके ट्वीट देखिए, अब पता चला कि उनके ट्वीट के पीछे ये है कि उनके मालिक को देश में सबसे ज़्यादा विज्ञापन मिला है। 2014-15 से लेकर 1 फरवरी 23 तक दैनिक जागरण को 1,76,62,89,042 रुपये का विज्ञापन, फिर कह रहा हूँ दैनिक जागरण को 1,76,00,00, तो इसके संपादक एक अनंत विजय जी अगर भक्ति काल के गीत नहीं गाएंगे तो कौन गाएगा। यानी रोजाना लगभग 5,47,000 रुपया इस विज्ञापन को, इस अखबार को विज्ञापन मिला है। हम लखनऊ का सबसे चर्चित अखबार निकालते हैं, सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है, हमको 6 सालों में 50,000 रुपये मिले, उसका भी भुगतान सूचना विभाग ने नहीं किया। 6 सालों में 50,000 और इनकी गिनती अरबों में। मेरे लहजे में जी हजूर ना था, इसके अलावा मेरा कोई कसूर ना था। मेरे लहजे में जी हजूर ना था, इसके सिवा मेरा कोई कसूर नहीं था। पल भर को भी, अगर पल भर को भी मैं बेजमीर हो जाता, यकीन मानिए कब का वजीर हो जाता। कहा तो हमसे भी था, योगी जी के बड़े दुलारे अफसर ने कहा था कि साल में 10 करोड़ रुपये देंगे, इस जवान को बंद कर लो और इस कलम को केवल साहब की स्तुति में लिखना शुरू कर दो। हमने कहा कि हम बिकने को तैयार नहीं हैं। इन्हीं वाले संपादक के पास चले जाइए, इन्हीं अखबार वालों के पास चले जाइए, इनको अरबों रुपए दे दीजिए, इनको अरबों रुपए मिले और हमें तरह तरह की जांचें, धमकी और हमला मिला। लेकिन साहब, आज की तारीख में इनको जनता की गालियां मिलती हैं और हमको 150 मुल्कों से लोगों का प्यार मिलता है, और इस दौलत से बड़ी कोई दौलत नहीं है। इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर दैनिक भास्कर समूह है, तीसरे नंबर पर अमर उजाला समूह और चौथे नंबर पर राजस्थान पत्रिका। वहीं अंग्रेजी मीडिया समूह की बात करें तो इन 9 सालों में सबसे अधिक विज्ञापन पाने वाला समूह है टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, जिसे 9 सालों में
3,59,23,24,24,693। समझ रहे हैं आप, 3 अरब रुपया, 3 अरब रुपया टाइम्स ऑफ इंडिया मिला है, केंद्र सरकार की तरफ से मिला है। इसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स है और तीसरे नंबर पर एम्प्लॉयमेंट न्यूज। यहाँ यह भी बता दूँ, यह भारत सरकार की सूचना मंत्रालय की साप्ताहिक पत्रिका है एम्प्लॉयमेंट न्यूज, जो हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी 3 भाषाओं में प्रकाशित होती है। मोदी सरकार ने इतनी बड़ी रकम में जो पैसा विज्ञापनों पर खर्च किया है, उनमें से कुछ अखबार तो ऐसे हैं जिन्हें कोई जानता तक नहीं और ना ही किसी ने इन अखबारों के नाम सुने हैं, ये सिर्फ PDF और ई पेपर के माध्यम से चल रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार इन्हें भी लाखों की कीमत में विज्ञापन दे रही है, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि साहिब की सरकार का प्रचार ना हो पाए। वहीं सरकार द्वारा भारी मात्रा में दिए गए विज्ञापनों में कुछ तो ऐसे अखबार शामिल हैं जिनके पास अपना कंटेंट तक नहीं है। यह अखबार दूसरे प्रमुख अखबारों से कंटेंट चुराकर अपने अखबार में छाप रहे हैं और साल भर में करोड़ों रुपए का विज्ञापन सरकार से ले रहे हैं, और इनकी असलियत जानते हुए भी मोदी सरकार इन पर मेहरबान है। कहीं ना कहीं विज्ञापनों के नाम पर साहब की सरकार एक गोरख धंधा चला रही है। जिन अखबारों को कोई जानता नहीं, ना ये छपते हैं, ना इनके कंटेंट और संपादकीय भी अपने होते हैं, चोरी के कंटेंट से चलने वाले अखबारों को भी मोदी सरकार विज्ञापन के नाम पर करोड़ों रुपये अदा कर रही है। ऐसी एक अखबार है मोदी जी के गृह राज्य गुजरात के अहमदाबाद शहर से निकलने वाला, उस अखबार का नाम है गुजरात वैभव। गुजरात वैभव क्यों गुजरात में कोई जानता नहीं है, ऐसी बात लोग कहते हैं। सिर्फ ई पेपर और PDF के माध्यम से ये अखबार चल रहा है, ऐसी चर्चा है। इतना ही नहीं, अगर आप इस अखबार को उठाकर देख लें तो इसमें से अधिकतर खबरें आपको किसी दूसरे अखबार की कॉपी मिल जाएंगी। लेकिन जानकर हैरानी होगी कि गुजरात वैभव अखबार को मोदी सरकार ने 9 सालों में 13,93,82,808 रुपये का विज्ञापन मिला है, 13 करोड़ से अधिक का। ये सबसे ज़्यादा विज्ञापन राशि पाने वाले अखबारों में 29वें स्थान पर है। जबकि गुजरात के चर्चित अखबार गुजरात टाइम्स, संदेश और दिव्य भास्कर गुजरात वैभव से विज्ञापन पाने के मामले में काफ़ी पीछे हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं कि दूसरों को विज्ञापन पर पैसा बर्बाद करने का ज्ञान देने वाले और लोगों की ज़िंदगी में बदलाव और विकास कार्य में विश्वास रखने वाले साहेब और उनकी सरकार सिर्फ अपनी शक्ल को चमकाने के लिए और अपनी सरकार की वाही वाही व विज्ञापन पर किस तरह अंधा पैसा खर्च करती है। और ये पैसा कोई मोदी जी अपनी जेब से नहीं ला रहे हैं, बल्कि हमारे और आपके द्वारा सरकार के दिए गए टैक्स से ये पैसा अपने प्रचार के लिए साहेब और उनकी सरकार द्वारा पानी की तरह बहाया जाता है। अगर ये पैसा सरकार गरीबों, ज़रूरतमंदों, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए इस्तेमाल करे तो इस देश की हालत सच में बदल सकती है और फिर ऐसे विज्ञापनों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन साहेब के लिए जनता की भलाई नहीं, अपनों के लिए मलाई ज़्यादा जरूरी है। ये सच कहीं बताएगा नहीं, तो देखते रहिए 4 PM, सच यहीं मिलेगा। हमारे कुछ और राज्यों में चैनल है 4 PM UP, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, उन्हें भी सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया।